डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने छात्रों को क्लास 12 की केमिस्ट्री में चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले हमने इसमें कैटालाइसिस के बारे में बताया है, कैटालाइसिस क्या होता है, फिर जो है इसका क्लासिफिकेशन बताया, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, फिर इसके टाइप्स बताए। आज हमें कैटालाइसिस या कैटालिस्ट के एप्लीकेशन पर चर्चा करना है। एप्लीकेशन ऑफ कैटालिस्ट, आज एप्लीकेशन पर चर्चा करनी है, कैटालिस्ट के एप्लीकेशन पर। हमने देखा है तमाम इंडस्ट्रियल सिस्टम में, तमाम औद्योगिक चीजों में कैटालिस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं। ये पहला एग्जाम्पल है आपका संपर्क विधि द्वारा H2SO4 के निर्माण में। जब H2SO4 का निर्माण किया जाता है तो वहां क्या किया जाता है, किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है संपर्क विधि से। देखिए 2SO2 प्लस O2 येरो 2SO3 हो जाता है। अब यहां वैनेडियम पेंटाऑक्साइड 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट लिया जाता है। अब वैनेडियम पेंटाऑक्साइड से जो है ये हमारा लास्ट में सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है। अब SO3 का हम H2SO इसका H2SO4 से अभिक्रिया करा देते हैं तो H2S2O7 हो जाता है, ये वोलियम बन जाता है हमारा, या हमारा डायरेक्ट जो है इससे जो है वोलियम ना मान लीजिए बनाना चाहे तो हमारा H2O से रिएक्शन करा दें ऐसे H2O से तो H2SO4 बन जाता है। तो ये हो गया, यानी संपर्क विधि से H2SO4 बनाने में वैनेडियम पेंटाऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अब हम अगर दूसरे एग्जाम्पल की चर्चा करें तो दूसरे एग्जाम्पल देखिए, अगर लेड कक्ष विधि द्वारा H2SO4 बनाया जाता है तो इसमें जो है कैसे प्रयोग किया जाता है, ये 2SO2 प्लस 2S2O प्लस O2, और यहाँ जो कैटलिस्ट दिया जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ये 2H2SO4 बन जाता है, तो यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रयोग किया गया। फिर इसके बाद जो है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 बनाया जाता है, तो ये औद्योगिक विधि है। तो इसमें देखिए यहाँ 4 मालिक्यूल NH3 प्लस 5O2, यहाँ प्लेटिनम उत्प्रेरक होता है, 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, तो ये 4NO प्लस 6S2 बन जाता है। फिर आगे अगर रिएक्शन कंप्लीट किया जाए तो 2NO2 हो जाएगा ये आपका। फिर यहाँ 4NO2 प्लस 2S2O प्लस O2 2S2O प्लस O2 ये 4HNO3 हो जाता है। इस प्रकार से ये आपका ओस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 बनता है। और एग्जाम्पल हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में देखिए, आपका हैबर विधि से अमोनिया बनाने में, ये आपका हैबर विधि से अमोनिया बनाने में ये आपका हो जाता है। तो यहाँ आपका N2 प्लस 3S2 और ये आपका यफी हो जाता है, यफी उत्प्रेरक है आपका और यमो उत्प्रेरक वर्धक है आपका, और ये आपका 2NH3 बन जाता है प्लस 22,000 स्क्वायर ओरी, ये आपका हो गया। तो और इसके बाद जो है अगर चर्चा की जाए तो डीकन विध से क्लोरीन बनाने में, डीकन विध से ये आपका 4HCl है और ये आपका 4HCl के साथ रिएक्शन करा दिया जाए ऑक्सीजन का, ये CuCl2 ये आपका जो है क्यूपरिक क्लोराइड है CuCl2, और झावा पत्थर होता है आपका, झावा पत्थर और 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो ये 2Cl2 हो जाता है प्लस 2S2 हो जाता है, ये आपका हो गया 2Cl2 प्लस 2S2O, ये आपका डीकन विषय क्लोरीन है, डीकन विषय क्लोरीन है। इसके बाद और एग्जाम्पल की अगर चर्चा की जाए तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में निकिल का प्रयोग किया जाता है। इसको देखिए कैसे होता है, ये वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल का अगर हाइड्रोजनीकरण करा दिया जाए प्रेजेंस ऑफ निकिल की उपस्थिति में तो ये वनस्पति घी बन जाता है, वनस्पति घी बन जाता है। तो यहाँ निकिल जो है कैटलिस्ट का काम कर रहा है। अब इसके बाद अगर ईथर की बात की जाए, ईथर के निर्माण में एल्मुना का प्रयोग किया जाता है, एल्मुना उत्प्रेरक, ये देखिए ईथर के निर्माण में।
दो मालिक्यूल अगर एथिल कोहल ले लिया जाए आपका, दो मालिक्यूल एथिल कोहल ले लिया जाए और इसको जो है एलमुना Al2O3 और करीब टेम्परेचर में जो है 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लिया जाए और इसको गर्म कर दें तो ये आपका डाई एथिल ईथर बन जाता है C2H5 O C2H5 + H2O हो गया आपका, ये हो गया। अब यहाँ जो एलमुना है आपका Al2O3 है, ये आपका उत्प्रेरक का काम किया। तो इस प्रकार से उत्प्रेरक जो है इंडस्ट्रियल कंडीशंस के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, बहुत उपयोगी होते हैं। अब इसके बाद हम जो है एंजाइम कैटलिस्ट की बात करेंगे। एंजाइम उत्प्रेरक किसे कहते हैं? एप्लीकेशन खत्म हो गया, कुछ एग्जाम्पल इसके दिए गए, अब हम लोग चर्चा करेंगे एंजाइम कैटलिस्ट पर। एंजाइम कैटलिस्ट क्या होता है? एंजाइम कैटलिस्ट किसे कहते हैं? एंजाइम कैटलिस्ट क्या होता है? एंजाइम उत्प्रेरक किसे कहते हैं? एंजाइम होता क्या है? सबसे पहले तो इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। एंजाइम आजीवित नाइट्रोजन एक तो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जीवित जंतुओं तथा वनस्पतियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो एंजाइम जो है ये आजीवित नाइट्रोजन एक तो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये जीवित जंतुओं तथा वनस्पतियों द्वारा उत्पन्न होते हैं और जितने एंजाइम होते हैं लगभग सभी एंजाइम जो है उच्च अणुभार यानी 10,000 या इससे अधिक वाले प्रोटीन होते हैं। ये जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं, इस अवस्था में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें एंजाइम उत्प्रेरक भी कहते हैं। एंजाइम उत्प्रेरक के कुछ एग्जाम्पल है जैसे आपका है ये सुक्रोज C12H22O11 है। अब अगर इसको इन्वर्टस एंजाइम की उपस्थिति में गर्म कर दिया जाए, इन्वर्टस ये एक विशेष प्रकार का एंजाइम है, इन्वर्टस एंजाइम की उपस्थिति में तो इसको ये ग्लूकोज C6H12O6 + C6H12O6 ये ग्लूकोज है, ये आपका फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज है, इसमें कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज फ्रक्टोज को। अब जो हमारा ग्लूकोज है C6H12O6 है, ये हमारा ग्लूकोज है, ये जाइमेज की उपस्थिति में एथिल कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ये एथिल कोहल हो गया, दो मालिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये हमारा जो है इसमें एथिल कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम और एग्जाम्पल की बात करें, और कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो यहां जो है जैसे हमारा तेल या वसा है, तेल या वसा है। अब अगर तेल या वसा को जो है लाइपेस एंजाइम के साथ गर्म कर दें, लाइपेस एंजाइम एक एंजाइम है, लाइपेस एंजाइम के साथ, तो ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये ग्लिसराल बना लेता है। क्या बना लेता है? ग्लिसराल बना लेता है। तो ये इसके उपयोग है। और एक आध एग्जाम्पल देते हैं, ये हमारा यूरिया है, NH2CO NH2 यूरिया है। अगर इसको हम जल में घोल दें और इसमें एक एंजाइम ले लें जिसका नाम है यूरिएस। क्या नाम है? यूरिएस। तो ये अमोनियम कार्बोनेट में NH4 का होल ट्वाइस अमोनियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से ये एंजाइम के कुछ एग्जाम्पल, महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। अब एंजाइम की एक्टिविटीज को, एंजाइम के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एमिल फिशर। उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो उस सिद्धांत को लॉक एंड के मेथड भी कहते हैं, ताला और चाबी का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये एमिल फिशर जो है मैकेनिज्म क्रियाविधि जो है हम कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट ये है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, इसकी चर्चा हो जानी चाहिए। तो हमने कहा कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एमिल फिशर 1894 ईस्वी में एमिल फिशर ने बताया कि ये जो है जो आपके एंजाइम होते हैं और जो सबस्ट्रेट होते हैं वो एंजाइम और सबस्ट्रेट का आकार इस प्रकार से होता है जैसे ताला और चाबी का आकार होता है। तो ताला और चाबी जिस प्रकार से एक दूसरे में फिट हो जाते हैं वैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे में फिट हो जाते हैं।
तो इसलिए इनके सिद्धांत को लॉक एंड के थ्योरी भी कहते हैं, ताला और कुंजी का सिद्धांत, ताला और चाबी का सिद्धांत भी कहते हैं। इनके अनुसार जैसे ई है एंजाइम है, प्लस सबस्ट्रेट है, ई फॉर एंजाइम हो गया, यस फॉर सबस्ट्रेट हो गया, सबस्ट्रेट या आधार इसको कहते हैं। अब ये आपस में रिएक्शंस करके जो है ईएस बनाते हैं। ईएस मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पुनः एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है। ये हमारा उत्पाद है, प्रोडक्ट बन जाता है, और ये हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये हमारा एंजाइम है, ये हमारा एंजाइम है। अब अगर इसको हम फिगर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं एंजाइम और इसके जो है, तो अब हम इसके फिगर की चर्चा कर लेते हैं कैसे ताला और कुंजी का सिद्धांत जो है बनाता है। तो यहां हम देख रहे हैं इसको हम फिगर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे देखिए यहां एंजाइम जो है ये ऐसा आकार हो गया आपका, इस प्रकार से ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारा एंजाइम है, ये हमारा एंजाइम हो गया, और ये हमारा सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ ऐसे ऐसे, ये हमारा सबस्ट्रेट, ये हमारा सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट। अब ये दोनों एक दूसरे में इस प्रकार फिट होते हैं जैसे ताला और चाबी एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ऐसे इस प्रकार से, ऐसे यहाँ ऐसे हो जाएगा, ये देख रहे हैं इस प्रकार से, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो गया, फिट हो गया। ताला जैसे ताला चाबी एक दूसरे फिट होते हैं, ऐसे फिट हो गया एंजाइम और सब्सट्रेट, ये हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो गया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो गया। अब ये जो हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये देखिए कैसे टूट जाता है, ये जो है इस प्रकार से ऐसे यहां बना हुआ है इस प्रकार से ऐसे, और जब ये टूटता है तो एंजाइम अलग हो जाता है ऐसे इस प्रकार से, और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है ऐसे, ये प्रोडक्ट बन जाता है, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये सिद्धांत है हमारा जो है आपका एमिल फिशर द्वारा प्रस्तुत, इसीलिए इसे ताला कुंजी का सिद्धांत कहते हैं। एक बार पुनः, वैज्ञानिक एमिल फिशर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एमिल फिशर, जिस प्रकार से एक ताले में कुंजी फिट हो जाती है उसी प्रकार से एंजाइम और सब्सट्रेट एक दूसरे से अभिक्रिया करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से पुनः एंजाइम सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, और आधार हमारा प्रोडक्ट में या उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा एंजाइम सब्सट्रेट है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लिया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमारा पुनः एंजाइम से अलग हो गया और प्रोडक्ट बन गया। तो ये एमिल फिशर का सिद्धांत जो है फिनिश हो गया, आशा करता हूं समझ में आया। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसी से जो सरफेस केमिस्ट्री है आपका, ये आपका जो सरफेस केमिस्ट्री है, सरफेस केमिस्ट्री में दो पार्ट विशेष रूप से है, इसमें दो विशेष टॉपिक को पढ़ना था। ये जो हमारा सरफेस केमिस्ट्री है, सरफेस केमिस्ट्री में हमें दो टॉपिक पढ़ना था, एक था कैटालाइसिस, कैटालाइसिस, और दूसरा था कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल स्टेट या कोलाइडल सॉल्यूशन। तो अब नेक्स्ट वीडियोस में हम कोलाइड स्टेट पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।